डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू डॉक्टर श्रीकांत फार्मसी चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट फार्मसी वीडियो। सो टुडे वी केम विथ ए टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर। इट्स एन ए कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो वेर वी डिस्कस्ड वॉट आर पार्टनरशिप फर्म एंड वॉट आर इट्स अडवांटेजेस वॉट आर इट्स डिसअडवांटेजेस। सो इन दिस क्लास वी आर प्लान टू what are the different kinds of partners are there, or you can say that types of partner in partnership firm based on the partner, based on the individual participant. These partners are different types. Let me discuss one by one so that you can understand what are the different types of partner. So first one is active or working partner. So as the name indicates very clearly, a partner who work as an active in the management as well as the day-to-day functions of the particular business, and that partner will given a remuneration per monthly. So that will be whatever the deal is done by with the particular partner with the management, some remuneration will be given for the looking for the active part in the management and day to day checking work of the business. So those are called as an active partner. ये हो जाता है, सो बहुत ही एक्टिव रहता है जो भी मैनेजमेंट में काम के लिए। सो रोज का रोज क्या काम है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बारे में एक्टिवली देखता रहता है ना, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और जो भी सर्विस करता है उसके लिए उनको अलग तरीक़ा से उनका सैलरी देते हैं। सो सेकेंड वन इज स्लीपिंग आर इनएक्टिव पार्टनर। सी द नेम स्लीपिंग आर इनएक्टिव पार्टनर मीन्स ओनली ही विल इन्वेस्ट एंड ओनली ही इज एक्टिव इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस वाइज इन द मैनेजमेंट बट दे आर नॉट गेटिंग एनी फिक्स्ड सैलरी। इनएक्टिव और द स्लीपिंग पार्टनर का अपोजिट क्या है, एक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी पार्टनर रहता है ना, जैसे एक्टिव में एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है, डे टू डे फंक्शन में क्या हिसाब किताब में रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इन्वेस्ट करता है, जो भी प्रॉफिट आता है लॉस आता है वो बेयर कर लेता, अगर मीटिंग रहा है तो कुछ बात करने के लिए उनको हक रहता है। यहाँ पे इनको कुछ भी सैलरी नहीं देते जो मैनेजमेंट, इसलिए बोलते हैं नो फिक्स्ड सैलरी। नॉमिनल पार्टनर बोले तो थर्ड वन, नॉमिनल पार्टनर ओनली नेम, नो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, आपको मालूम है कोई बड़ा आदमी रहे तो उनका नाम रखे तो जो भी पब्लिक है ना बहुत ट्रस्ट करते हैं उसके लिए, और वो भी जो भी बिजनेस रहता है उनके लिए उनको विश्वास करके उनका बिजनेस को बढ़ाते। जैसे समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर का एक बोर्ड लगा दिया तो उनको इनको संबंध ही नहीं रहता, इन्वेस्ट भी नहीं करे रहता, प्रॉफिट भी नहीं रहता उनको, लेकिन उनका नाम से लोग जो करते हैं ना इंटरेस्ट परचेजिंग और बिजनेस करते हैं ना उसको बोलते हैं थर्ड वन नॉमिनल पार्टनर। सो क्लियरली इंडिकेटिंग ओनली नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। ओके, ऐसे चीज़ को पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर का दुकान है बोले तो सचिन का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, खाली उनका नाम रहता है, लेकिन जो भी बिजनेस रहता है ना वो अलग तरह रहता है, उसको बोलते हैं ए नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, इन्वेस्ट मनी, आइडियाज़, प्रॉफिट एंड नो शेयर इन द लॉसेस। ये जो और एक पार्टनर है उसमें क्या हो जाता है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं ना मनी पार्टनर बिजनेस में, आइडिया भी देते, इन्वेस्ट भी करते, प्रॉफिट के ले लेते, लेकिन लॉस आए तो वो लॉस का उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओके, सो ओनली प्रॉफिट जो आता है ना उसको एक ही लेता है, लॉस रहे तो दूसरे लोग देना पड़ता है। सीक्रेट पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मीन्स डोंट वांट टू नेम इन पब्लिक, रिमेनिंग ऑल बेनिफिट्स वांट। मतलब उनका नाम किसी को मालूम नहीं होना, लेकिन पार्टनर में जो इन्वेस्ट करे रहता ना उसका प्रॉफिट लॉस हर चीज़ होना बोलते हैं वो लोग। खाली उनको क्या है बोले तो उनका नाम नहीं मालूम होना पब्लिक को, उसके लिए बोलते सीक्रेट पार्टनर। यहाँ पे किसी का इन्वेस्ट जो करते हैं ना वो उनका नाम सीक्रेट रहता है, लेकिन हर चीज़ उनका पावर्स रहता है। सो बेनिफिट जो भी रहता है, लॉस रहने दो, प्रॉफिट रहने दो, उनका वॉइस रहने दो मैनेजमेंट मीटिंग में, हर चीज़ के लिए उनका एक्टिव रहता है, उसको बोलते सीक्रेट पार्टनर। यहाँ पे क्या है, उनका नाम किसी को नहीं मालूम होना बोलते वो लोग।
So partner by Istopol, this is another important type of a partnership. Only show put off in public, he says he is one of the partner. जैसे कुछ लोग रहते शो पुट अप करते रहते, उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता वो बिजनेस में, उनका वॉइस भी नहीं रहता, उनका प्रॉफिट लॉस में भी शेयर नहीं रहता, लेकिन अपना ही खुद का इंडस्ट्री है, अपना ही खुद का बिजनेस है, बोले जैसा सबके सामने दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं, वो जो पार्टनर बोलते हैं ना, पार्टनर बाय इस्टोपाल, कुछ भी नहीं है उनका, प्रॉफिट भी नाश नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं, वॉइस नहीं रहता, लेकिन खुद कैसा बोलते हैं, अपना ही है सब चीज़, ऐसे दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं, और एक तरह का पार्टनर. माइनर एज एन पार्टनर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्टनर, वेयर द बिलो 18 ईयर्स ओनली द नेम विल बी देयर, एंड अंडर देम दे विल बी गार्डन नेम विल बी देयर, पेरेंट नेम्स विल बी देयर. सो वंस दे आर गेट इन टू 18 ईयर्स, सो दे आर बिकम एज एन द पार्टनर ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस फर्म. सो अंटिल दैट दे विल बी नेम विल बी देयर, एंड नो पावर ऑफ द प्रॉफिट आर लॉस ऑफ टेकिंग एनीथिंग. वंस दे आर मेच्योर्ड, सो दे विल हैव द प्रोविजन. मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से टाइप्स ऑफ पार्टनर और काइंड्स ऑफ पार्टनर में पार्टनर क्या होता है, किस तरह से रहते, किसी को कितना प्रॉफिट रहता, किसी को कितना नेम रहता, वो चीज़ जानकारी हम लोग बहुत सरल से समझ में आया. ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, कम्स अंडर दी पार्टनरशिप फर्म. सो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप. जैसा क्वेश्चन पूछे तो आप सारे चीज़ लास्ट का वीडियो और ये वीडियो दोनों मिला को अच्छी तरह से आप एग्जाम लिखे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता. समझता हूँ ये क्लास से बहुत सरल से काइंड्स ऑफ पार्टनर आपको समझ में आया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.